और आज बाइक नहीं चल रही, चल रही है। आज राज्यसभा में जब कृषि से संबंधित दो विधेयकों पर चर्चा चल रही थी, उस समय राज्यसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ वह जहां दुखद था वही दुर्भाग्यपूर्ण था, और इससे भी आगे जाकर मैं कहना चाहूंगा कि वह अत्यधिक सर्वनाश था। मैं जानता हूं कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए जहां पर सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है वहीं पर विपक्ष का भी सहयोग अपेक्षित है। विपक्ष की भी संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी भूमिका का निर्वाह करना यह अपेक्षित होता है, एक्सपेक्टेड होता है विपक्ष के द्वारा भी। लेकिन आम जनता के अंदर, आम किसानों के अंदर एक गलतफहमी पैदा करके केवल निहित राजनीतिक स्वार्थ को साधने की जो कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के यह अनुकूल नहीं है, और यह दोनों विधेयक मैं कह सकता हूं किसान और कृषि जगत दोनों के लिए यह ऐतिहासिक हैं। इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है, एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी, एपीएमसी समाप्त कर दी जाएगी। हकीकत यह है कि यह दोनों बिल प्रभावी होने के बाद हमारा किसान अपना माल भारत में जहां भी बेचना चाहता है पूरी आजादी के साथ बेच सकता है, जहां पर भी उसको अच्छी कीमत मिले। न तो एपीएमसी समाप्त हो रही है और न तो एमएसपी समाप्त हो रही है। इसके पहले भी हमारी सरकार ने बराबर एमएसपी बढ़ाया है, और जो यह वादा किया था कि हम किसानों की आमदनी को जस्ट डबल करेंगे, तो उस लक्ष्य को काफी हद तक हमने हासिल करने में भी कामयाबी हासिल की है, लेकिन हम इसे और आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है प्रत्यक्ष सारे देश ने अपनी आंखों से उसे देखा है। हरवंश जी पत्रकारिता क्षेत्र में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है और लोग अच्छी तरह परिचित हैं, मूल्यों में विश्वास रखने वाले, वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उनकी छवि रही है। लेकिन सीधे उनके आसन पर तक चले जाना, और आसन तक जाना ही नहीं बल्कि आसन पर जाकर खड़े हो जाना, वहां पर जाकर रूल्स बुक को फाड़ डालना, और इतना ही नहीं, वहां पर पहुंचकर रूल्स बुक को फाड़ना और अन्य भी जो कागजात रखे हुए थे उसे भी फाड़ देना और आसन के ऊपर चढ़ जाना। जहां तक मैं जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि संसदीय इतिहास में कभी ऐसी घटना न तो लोकसभा में हुई है न राज्यसभा में हुई, और राज्यसभा में होना तो यह और बड़ी बात है। राज्यसभा को हम हाउस ऑफ इल्डर्स कहते हैं। संसदीय परंपराओं में विश्वास रखने वाला कोई ही व्यक्ति निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना से आहत होगा। आज केवल भ्रामक तथ्यों के आधार पर हमारे देश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मित्रों, मैं भी किसान हूं, मैं भी कृषि मंत्री हूं, मैं तो अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में कभी यह सोच नहीं सकता कि हम जिस सरकार में हुआ सरकार कुछ ऐसा कदम उठाएगी जो किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाला होगा। जो कुछ भी हुआ है वह संसदीय गरिमा के अनुरूप नहीं हुआ है। और संसदीय लोकतंत्र में मर्यादाओं का बहुत बड़ा स्थान होता है।
जब संसदीय मर्यादाएं टूटती हैं तो लोकतंत्र की परंपराएं भी शर्मसार होती हैं और तार तार होती हैं। और कुछ सांसदों के द्वारा उपसभापति जी के साथ जैसा आचरण किया गया है उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम है। और इस प्रकार की जो भी कार्रवाई की गई है उसको मैं कंडम करता हूं। और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं, इस प्रकार की कार्रवाई से उनके छवि पर तो आंच आई ही है, संसदीय गरिमा को भी गहरी चोट पहुंची है। इतनो इस अवसर पर मुझे इतना ही कहना था। थर्टी टू सर, मैं प्रशांत हूँ एबीपी न्यूज से। विपक्षी पार्टियों ने उपसभापति के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस का नोटिस दिया है सर, उस पर क्या कहेंगे आप और उसका प्रोसीजर क्या है सर? प्रहलाद जोशी सर हैं यहाँ पर, उसका प्रोसीजर क्या होगा सर? नोटिस दिया है उसके बाद कैसे टेकअप होगा ये? अभी अब चेयरमैन देखेंगे, नोटिस गई है चेयरमैन को, जो इस संबंध में फैसला करना होगा करेंगे। हम राजनीतिक स्तर पर उस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, यह प्रेरोगेटिव पूरी तरह से चेयरमैन का है। 50 सर, आनंद हूँ इंडिया टीवी से। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि वो उनकी आवाज़ को राज्यसभा में दबाया गया है, बार बार वो मत विभाजन मांग रहे थे लेकिन जो चेयर पे बैठे थे सभा उपसभापति उन्होंने मत विभाजन नहीं किया। और साथ ही साथ विपक्ष बार बार एक तर्क ये दे रहा है कि जो सरकार अपनी कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर को नहीं समझा पाई इस बिल के फायदे को, वो किसानों को और बाकी देश को क्या समझाएगी? समझाने का जहां तक सवाल है, समझाने की कोशिश तो सबको हो रही है। और ऐसे लोग जिनके हर व्यक्ति के फैसले लेने के पीछे कुछ राजनीतिक कारण होते हैं, कैसे उन्होंने यह फैसला किया उस संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इस प्रकार का आचरण हेल्दी डेमोक्रेसी में, यह तो सभी स्वीकार करेंगे ना कि अपेक्षित नहीं है। 60 अब ये संसदीय कार्य मंत्री बतला रहे हैं कि 9:30 बजे से 1:30 बजे तक पूरा डिस्कशन चला है। अच्छा, दूसरी चीज, मान लिए उन्हें महसूस हुआ कि उनको इग्नोर किया गया, उनकी बात नहीं सुनी किसी, मान लिया, लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं, लेकिन उनके हिसाब से हम माने, तो क्या इस पार्लियामेंट्री डिमोक्रेसी, हेल्दी पार्लियामेंट्री डिमोक्रेसी में उस व्यक्ति को वायलेंट होना चाहिए, चेयर पर अटैक करना चाहिए, डिप्टी चेयरमैन के आसन पर चढ़ जाना चाहिए? क्या उचित है? माइक तोड़ देना चाहिए? मित्रों, सचमुच मैं इससे आहत हुआ हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जो आपने प्रश्न किया डिवीजन का, जिस समय वाइस चेयरमैन साहब जो उनकी अलग अलग अमेंडमेंट्स थे उस पर वो डिवीजन के लिए उन्होंने कहा, उस समय वो सारे लोग जो है वो बेल में थे और वहाँ हंगामा ही नहीं कर रहे थे, सारे माइक्स तोड़ डाले थे और माइक्स तोड़ करके हाथ में लेकर के और एक तरह से वायलेंट अप्रोच था उनका। उस समय अगर वो वायलेंट थे तो उसमें अगर वो किसी भी तरह के पार्लियामेंट्री डेकोरम की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर से बिल्कुल गलत है। और बार बार जो है वो वाइस चेयरमैन साहब ने कहा कि आप अगर डिवीज़न चाहते हैं तो आपको अपनी सीट पर जाना ही चाहिए, लेकिन कोई नहीं गया, बल्कि जैसा कि आदरणीय राजनाथ जी ने कहा कि वो तो जो हमारे जो राज्यसभा के स्टाफ के लोग थे उनकी उनकी मेज पर थे, एक दूसरे की कंधों पर जो है वो नारेबाजी कर रहे थे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 60 राजनाथ जी, मेरा सवाल, मैं मनीष कुमार हूँ न्यूज 24 न्यूज चैनल से,
एमएसपी को लेकर जो लगातार एक बात कही जा रही है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, इस पे आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? क्योंकि आज पंजाब से लेकर हरियाणा में कई जगह ट्रैक्टर जलाई गई, किसान जो है वो सड़कों पे उतरे हुए थे, उस दौरान ही ये बिल भी पास हो गया संसद से। मित्रों, मैं दो टूक शब्दों में तहे दिल मैं देश के किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं, किसी भी सूरत में एमएसपी खत्म नहीं होगी। इतना ही नहीं, एपीएमसी जो है उसकी व्यवस्था भी किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगी। यह मैं पूरी तरह से देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने किसान भाइयों को, मैं भी किसान। लास्ट क्वेश्चन 13। Sir Polemi from India Today. My question is about MSP itself. Swadeshi Jagran Manch as well, for instance, has said that why can't you write it into the act itself?